सिंह सिद्धू का एक कार्यक्रम नियोजित था, क्या कुछ उसकी आगे की व्यवस्था है? हमारी तरफ से पूरी तरीके से बाल दिवस पर माननीय नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब सरकार में मंत्री हैं उनका कार्यक्रम पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। और छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो मुझे लगता है बंदर सेना, कुत्ता सेना इस टाइप के लोग चला रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के ही विरोध पर पूरा जिला प्रशासन चल रहा है। आगरा में चाहे कोई भी सेलिब्रिटी आने का प्रयास करे, चाहे किसी भी कोई भी मकसद हो चाहे, लेकिन उसे आने नहीं दिया जाता है और जिला प्रशासन उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन हम कार्यक्रम कराएंगे हर कीमत पे, और चाहे जिला प्रशासन कुछ भी हमें कहीं तक जाना पड़े, हम उनके गीदड़ धमकियों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे नज़र में वो बंदर सेना है। प्रशासन की अनुमति नहीं है ऐसे में क्या आपका कार्यक्रम? अगर पाकिस्तान जाने वाले हर व्यक्ति पर रोक लगाई जाती है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को यहाँ प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो इनविटेशन पे गए थे और नरेंद्र मोदी बिना इनविटेशन पे गए थे, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को आगरा में आने पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को हर कीमत पर कराएगी। राष्ट्रीय गठबंधन का ये ऐलान है कि अगर सिद्धू यहाँ पर आए तो उनके साथ अभद्रता और मारपीट की जा सकती। चाहे कोई बंदर दल हो चाहे कुत्ता दल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को करा रही है और कराएगी हर कीमत पर।